हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलेंट में ऑयल की मिक्सिंग होना या रेडिएटर में ऑयल आ जाना, ये जो प्रॉब्लम है, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि कूलेंट जो कूलेंट जहाँ चलता है पूरे रेडिएटर में और ऑयल इंजन में हमारा सर्कुलेट होता है, तो ऑयल जो है कूलेंट में मिक्स हो जाता है, ऑयल रेडिएटर तक पहुँच जाता है, गाड़ी हमारी गर्म हो जाती है, ऑयल की लाइट जलने लगती है, तो ऑयल कहीं ना कहीं कम भी हो जाता है उसमें हमारे इंजन में। और जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं कि हीट भी हो रही है, ऑयल की लाइट भी जल रही है, तो हम कहीं ना कहीं टेस्ट कराने जाते हैं और फिर वहाँ पता लगता है कि भाई साहब ये तो रेडिएटर के अंदर ऑयल आ चुका है। तो रेडिएटर में तो कूलेंट चलता है, हम सोचते हैं रेडिएटर में ऑयल कहाँ से आ गया, रेडिएटर में तो कूलेंट चलता है। तो ये समस्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो जगहें हैं जहाँ से ऑयल कूलेंट में आ सकता है। नंबर वन, प्रेशर किसका ज़्यादा है, कूलेंट जो सर्कुलेट हो रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है या जो ऑयल चल रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जो ऑयल चल रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, ऑयल के लिए पंप लगा रहता है, ऑयल पंप कहते हैं। ऑयल कहाँ होता है, हमारे सम्प में, जो नीचे इंजन के नीचे आप देखते होंगे एक कंटेनर टाइप का लगा रहता है, वो सम्प उसे कहते हैं, ऑयल चैम्बर भी कहते हैं कई लोग। तो वहाँ पे ऑयल होता है, ऑयल को वहाँ से निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, क्योंकि नीचे से ऊपर ले आना है, सर्कुलेट कराना है, लौट के आएगा वहीं पे, तो उसको सर्कुलेट कराना है तो कहीं ना कहीं उसमें उसको प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर जाए। तो वो काम कौन करेगा, ऑयल पंप। ऑयल पंप जहाँ पे हमारा टाइमिंग का जो तीन मेन गियर हैं, पंप, कैम और क्रैंक, ये लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं गियर के साथ ही अटैच रहता है इसका गियर भी, तो वो अपना काम करना चालू करता है और नीचे से ऑयल को पहुंचाता है पूरे इंजन लाइन में, जो है सर्कुलेट करता है। तो इंजन ब्लॉक में लाइन बनी रहती है ऑयल की, तो वहाँ पे पूरा सर्कुलेट होता है, फिर हेड में भी सर्कुलेट होता है, क्योंकि हेड वैसे डिसमेंटल हो जाता है, इंजन से अलग हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वॉल्व जो है वो हेड में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो हेड के अंदर क्रिएट होती है, तो उसको लुब्रिकेशन भी चाहिए और कूलेंट भी चाहिए। तो पहले तो हम ऑयल की बात करें, तो ऑयल का वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें 24 वाल होते हैं, जिसमें तो 24 वाल हो गए, फिर साथ में उसके रॉकर आर्म हो गए, फिर बंसरियाँ हो गई कहते हैं जो पुश रॉड, वो हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलकर चल रही हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, लुब्रिकेशन ऑयल चाहिए। तो ये ऑयल को सर्कुलेट वहाँ पे कराना ज़रूरी है, तो ऑयल की एक लाइन होती है, तो वो सर्कुलेट होता है उसमें। फिर आता है हमारा रेडिएटर, और रेडिएटर में आपने देखा एक छोटा सा पंप लगा रहता है, जो फ़ैन होता है, वो एक तरफ तो फ़ैन है रेडिएटर का और पीछे अंदर की तरफ जो है उसका पंप लगा रहता है, तो वो जो है सर्कुलेट कराता है हमारे कूलेंट को। तो ये दोनों चीज़ें ही कहाँ चल रही हैं, इंजन ब्लॉक में चल रही है, क्योंकि कूलेंट भी जो है वो इंजन ब्लॉक में लाइन बनी हुई है वहाँ चलेगा, हेड में भी लाइन बनी हुई है वहाँ भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ों की अलग लाइन है और दोनों इंजन में ही सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मेन लाइन हम कहते हैं ऑयल की मेन लाइन, तो जो ब्लॉक में जो मेन लाइन है वो जब ब्रेक, अब इंजन ब्लॉक तो एक ही है, तो ब्लॉक में एक तरफ चल रहा है ऑयल और एक तरफ चल रहा है हमारा कूलेंट। तो जो ऑयल की जो मेन लाइन है उसमें प्रेशर होता है ज़्यादा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो पंप लगा रहता है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करता है। तो वो जब ब्लॉकेज आ जाती है लाइन में कहीं, तो मेन लाइन जो है उसकी वो फट जाती है। अभी अगर मेन लाइन फट गई तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच की दीवार है ऑयल की और कूलेंट की, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। अब अगर वो ब्रेक हो गई तो वो ब्रेक हो गई है, अब कहीं ना कहीं जब वो ब्रेक हो जाती है, वो लाइन जो है ब्रेक हो गई है बीच की ऑयल की और कूलेंट की, तो क्या होगा, ऑयल हमारा कूलेंट में मिक्स होने लग जाएगा। कूलेंट का रास्ता कहाँ जाता है, रेडिएटर तक, तो वो रेडिएटर में पहुँच जाएगा। एक रास्ता तो ये कि मेन लाइन फट गई, तो उस केस में क्या करना है, हमें ब्लॉक चेंज कराना पड़ता है। अभी कई लोग नया ब्लॉक लगवाते हैं, कई लोग कबाड़े में से लेके लगवाते हैं, भैया इच्छा है लेकिन नया ही लगवाओ, तो लेकिन नया लगाओ तो ये है कि एक सिरे से आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो लोग नया नहीं लगवाते उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं,
कि एकदम से दाम इतने नहीं है, क्योंकि ब्लॉक महंगा आता है। अब टाटा के इंजन का ब्लॉक आप देखोगे तो 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, ये मार्केट का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, वरना अगर आप कंपनी में पूछोगे तो और महंगा आपको रेट मिलेगा। फिर दूसरा रास्ता क्या है, जैसा अभी हमने बात की कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का ऊपरी सिरा, और ब्लॉक के ऊपरी सिरे पे क्या रखते हैं, हेड। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैस्केट होती है, क्योंकि क्या है ब्लॉक में तो चलता है ऑयल भी और कूलेंट भी, तो दोनों की लाइन है ऊपरी सतह पे, तो सेम जो है हेड में भी चलेगा ऑयल भी और कूलेंट भी। तो इन दोनों का रास्ता अलग कौन करेगा, इस ये बीच में जो खालीपन है तो यहाँ पे रास्ता अलग करना पड़ेगा, वरना तो सब मिक्स हो जाएगा, कुछ सीलिंग करनी पड़ेगी। और वो सील करने के लिए क्या लगाते हैं हम, हेड गैस्केट। हेड गैस्केट में बहुत बिल्कुल जो है, क्योंकि लोहे की स्टील की जो है रिंग्स बनी रहती हैं, एक तरफ तो गैस्केट है जो अपना नॉर्मल गैस्केट होती है, और फिर बीच जहाँ जहाँ जैसे अगर एक होल बना हुआ है तो उस होल के चारों तरफ स्टील रिंग होगी, जितने होल हैं सब पे स्टील की रिंग होगी, जितना भी गैप्स हैं सब पे स्टील की रिंग्स होंगी, ताकि लीक होके इस तरफ ना जाए। तो जब बैठे तो इतना प्रेस होता है, इतना टॉर्क होता है कि एकदम सील हो जाता है। तो जब ये हेड गैस्केट पुरानी हो जाती है, अब एक होल है ऑयल का, एक होल है कूलेंट का, तो ये जब पुरानी हो जाती है तो ये क्या है, अब ये दोनों पास में है, दोनों होल ऑयल का भी और कूलेंट का भी, तो इन दोनों के बीच में दरार आ गई, हेड गैस्केट खराब हो गई हुई, तो दरार आ गई, तो क्या हुआ, जब वो लाइन बन गई तो ऑयल जो है वो कूलेंट में जाके मिक्स होने लग जाएगा और दोबारा से रेडिएटर में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से इसमें मिक्सिंग हो जाती है। तो या तो आपकी क्या है गैस्केट ख़राब होती है, 99% केसेस में वो गैस्केट ही ख़राब होती है, और फिर दूसरा जो एक रीज़न है वो ये है कि आपका ब्लॉक जो है वो, उसकी मेन लाइन जो है वो फट गई है, तो ये दिक्कत आती है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। देखने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछें। थैंक यू।